तो बहुत सारे बाधाएं आती हैं। कोई साधक अगर सोच लें कि हम घर छोड़ने से बस समस्त बंधन मुक्त हो करके हम एकांत में जा करके खूब भजन करेंगे, ये कल्पना विलास है। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। कर्म संन्यास ले लिया है लेकिन उसको श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ में रहकर। वर्तमान समय, वर्तमान जो कलियुग चल रहा है, अभी वैराग्य लेने का समय नहीं। पहले स्थान नहीं, पात्र नहीं, संग नहीं, साधना नहीं, संस्कार नहीं। सर्वोपरि है शरीर अपटु, इंद्रिय अपटु, नाना प्रकार व्याधिग्रस्त। जन्म लेते ही हजार व्याधि लेकर पैदा हो रहा है, साधन कहाँ करेगा। जैसे सहज मालूम होता है उतना सहज नहीं। हाँ, घर छोड़ना तो सहज है, लेकिन मन के प्रति कंट्रोल करना, उसको संयमित रखना, हर विषय से मुक्त होकर के भगवत चरण सान्निध्य में जाने के लिए एकांत सेवन, एकांत वास, एकांत मानसिकता, ये होना बहुत कठिन है। माया तो छोड़ेंगे नहीं, माया तो घेर लेते हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो। वैरागी होकर के अगर संसार छोड़ के आप जा रहे हैं, नहीं हम गृहस्थी होकर ही रहेंगे, हम वैराग नहीं लेंगे, लेकिन हम एकांत में भजन करेंगे, वो भी माया छोड़ेंगे नहीं। माया देखते हैं, अरे ये भी तो चालाकी कर रहा है हमसे, विरक्त तो नहीं हो रहे लेकिन मन से तो भी विरक्त हो गया है, अब ये जाना चाहता है, बोले उसको भी हम घेरेंगे। सत्य है, हमारा 40 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है। हम जब घर छोड़े हैं तो हमारे जो मानसिकता थी कुछ अलग थी। हमने मन ही मन में संकल्प किए थे, एक बार घर छोड़ के एक बार वृंदावन में अगर राधा रानी कृपा करके हमको पहुंचा दिए तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम दुनिया से संपर्क नहीं रखेंगे। ये राधा कुंड किनारे में नौकरी करते थे, वैराग आ गया, नौकरी छोड़ेंगे। राधा कुंड के किनारे में अब छुट्टी खत्म हो गई, आप जाएंगे नौकरी में ज्वाइन करना है। बहुत रोए, व्याकुलित हुए, बहुत रोए, हे राधा रानी, तुम्हारे दरबार पे हमारे लिए क्या 2 रोटी नहीं मिलेगी, क्या हमको जाना पड़ेगा वो संसार में, क्या तुम्हारे रोटी की इतना कमी आ गई कि हमको जाना पड़ेगा, किस लिए जाएंगे, क्या चाहिए, वहां क्या मिलेगा हमको। बहुत व्याकुलित चित्त होकर हम रोए। आज कह रहा हूं, हम किसी को कहा नहीं, राधा ने हमको जाने नहीं दिया, तब से बस शब्द आया समाप्त कर दिया, फिर गए ही नहीं, आज तक गए नहीं, राधा ने जाने नहीं दिया। हम संकल्प किए हैं जाएंगे लेकिन ना जाने दिया ही नहीं, ऐसे ऐसे नाटक रचना किए, इच्छा रहती हुई भी हम जा नहीं पाए। गुरु जी के सान्निध्य में थे, बहुत जंगल घूमे, बहुत एकांत सेवन किए, ऐसे ऐसे संकल्प आया मन में। एक बार तो कहीं एकांत स्थान नहीं मिल रहा है, मन की बात कह रहा हूं बाबा, अब क्या करें, हर जगह हमको पहचानता है, थोड़ा नाम हो गया, ये भी माया है, माया के कारण सुकृत जातो अनर्थ, ये तो अनर्थ है, कहीं जाए जहां जाए वही हमको पहचानता है, क्या करें, एकांत स्थान जाना चाहिए। तो हमारे साथ एक भक्त था, वो हमारी सेवा में रहते थे, कंडक्टर था एक, तो हम लोग जा रहे हैं खामी के पास से, वहां से जा रहे हैं जी एकांत स्थान जहां हमको कोई पहचानता नहीं है, ऐसे स्थान भजन करें। तो जाते जाते डॉक्टर को हम कह रहे हैं, डॉक्टर ऐसा स्थान होना चाहिए। कैसे स्थान, नहीं गांव से ज़्यादा दूर नहीं, मान लो 1-2 किलोमीटर दूर जंगल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नहीं एकांत कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकांत होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक कुंडा होना चाहिए जिससे पानी वानी का कोई ज़्यादा असुविधा ना हो, कुंडा होना चाहिए। फिर बोलते हैं लोटा भर भर के दूध चाहिए।
ऐसे मजाक से कह रहे हैं, माने गांव में जाएंगे झोली भर भर के रोटी चाहिए, मजाक से कह रहे हैं उससे, जे हंसी उड़ा रहे हैं। ऐसा स्थान तो मिलना संभव नहीं है, झोला भर के रोटी चाहिए, और क्या चाहिए डॉक्टर, ना लोटा भर के दूध चाहिए, तब फिर आनंद दे, खूब एकांत तो भजन करेंगे, है ना, ऐसे खूब जोर से हंस रहे हैं, ऐसा तो होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ, ठीक ऐसा ही हुआ, ठीक ऐसा। गांव से आधा किलोमीटर दूर जंगल है, छोटा सा कोठी है, एकांत तो है, कोई नहीं है, एक छोटा सा कुंड है, गांव से लोटा भर के दूध आता था, इतना दूध क्या करेंगे, दूध आखिर में क्या करेंगे, फिर पनीर बना करके बांटते थे, इतना दूध क्या करेंगे, 10-12 किलो दूध आता है रोज, क्या करेंगे उतना दूध, लोटा भर के, अब भगोना भर के राधा ने दे रहे हैं, और रोटी इतना आ रहा है कि कुत्ता 12 कुत्ता पालते थे माधुगरी का रोटी बनाते नहीं, 12 कुत्ता पालते थे, कुत्ता को पेट भर के रोटी खिलाते थे। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मिला, तो बहुत शिक्षा दे दिया, जो स्थान होने से कुछ नहीं होता है, ये स्थान होना चाहिए, बाहरी जगत का जो स्थान है वो स्थान कुछ परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं है, ये स्थान में परिवर्तन लाना चाहिए, ये स्थान का संशोधन करो, यही जंगल है, यही मन को, यही गुफा में, मनोरूपी गुफा में घुसा दो मन को, शरीर को गुफा में घुसाने से कुछ नहीं होता है, ये हमको ज्ञान करा दिया, ठीक जैसा चाहा ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, एकदम गणित के साथ मिला करके, ऐसा इतना दूर, इतना जंगल, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे सुंदर होना चाहिए, अब लेके गए नहीं, वो गांव इतना सुंदर ना, आपको जाके मालूम होगा एक मुनि ऋषि का स्थान है ये, यहाँ कोई ऋषि मुनि ऋषि गए थे, गए ना जंगल ऐसे, जब माइ लोग आके सब हफ्ता में एक दिन चौका लगाते थे, गोबर चौका पूरा आश्रम को, इतना सुंदर सुंदर दिखने में, जैसे मुनि ऋषि का स्थान है, बहुत सुंदर। क्या हुआ, मन ही सब उसका मूल है, चाहे घर में रहो चाहे कहीं रहो, मन से मतलब है, ये ज्ञान करा दिया, है ना। तो संसार छोड़ने से कुछ नहीं होता है, संस्कार छोड़ना पड़ेगा, वासना छोड़ना पड़ेगा, वासना त्याग ना ही त्याग है, संसार त्यागना त्याग नहीं है, घर छोड़ना त्याग नहीं है, बहुत भिखारी का घर संसार है नहीं, तो इसका मतलब वो त्यागी कहाँ नहीं जाएगा, कुछ है नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं, तो एक भिखारी बहुत भारी त्यागी है, उसको त्यागी कहा जाएगा, नहीं रहना ही त्यागी है, बोलता है ना वो ज्यादा भोगी है, उसका भीतर में वासना भरा हुआ है, जिसका भीतर में वासना है, वासना ही बंधन का कारण, वासना ही संसार, घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। तो जब साधक घर छोड़ते हैं तो उसको अनर्थ घेर लेते हैं, एक दुष्कृति जात अनर्थ हो, दुष्कृति जात अनर्थ का लक्षण है, उसका फलस्वरूप क्या होता है, आदि व्याधि उपाधि कलह अशांति, ये आकार के साधक का भजन करने नहीं देता है, ये पूर्व जन्म पर दुष्कृति जितना ज्यादा होता है उतना ही उसको घेर लेता है, उसका पूर्व संस्कार सबका समान नहीं है, बराबर नहीं है, सबके लिए एक सा नहीं होता है, आदि व्याधि उपाधि आकार साधक इच्छा रहती हुए भी भजन नियम से भजन करना उसके लिए संभव नहीं होता है, ऐसे व्याधि पकड़ लेता है जो व्याधि के पीछे ही उसका समय बीत जाता है, डॉक्टर के नियम पालन करते करते उसका दिन बीत जाता है, अपना भजन नियम क्या करेगा, अब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये खाना है, ये खाना है, इतना समय विश्राम करना है, ये करना है, वो करते करते ही जीवन बीत गया, तो भजन कब करेंगे है? फिर उससे पाल लगा लिया तो आता है सुकृति जात अनर्थ, पूर्व जन्म में सुकृति का दान पुण्य किया है, इस जन्म में वो बाधा रूप में, उसका फल क्या है, वो सुख सुविधा अर्थ धन मान पूजा प्रतिष्ठा, भजन करने से, भजन से कोई मतलब नहीं है, बिना भजन का ही आके हाजिर हो जाएंगे, आके साधक के भीतर सुख सुविधा, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, एसी में रहना, नाना प्रकार चैन से रहना, फिर उसके साथ साथ कामना वासना, आश्रम मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े सब हमारे मान्यता हो, हमारे इतने बड़े आश्रम है, इतना सब भक्त आते हैं, सब हमारी मान्यता है, तो ये सुख सभी सुविधा मान प्रतिष्ठा साधक को बांध देते हैं,
साधक के भीजन भीतर में जो भजन स्प्रिय है उसको समाप्त कर देते हैं। उसी में साधक चैन से बड़ी मस्ती से हम मान्यता है ना, बड़े साधक है, बड़े भजन आनंदी है, सब मानते हैं, चुनते हैं, गिनते हैं, उसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं। उसका भीतर में कोई उत्कंठा व्याकुलता नहीं, हमारा जीवन विपन्न हो रहा है, हमारा जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है, ये चिंता खो जाता है, वो अपने में ही मस्ती रहता है, बड़ा अच्छा आनंद, खाना पीना सब मान्यता सम्मान सुख सुविधा। फिर उसके बाद आता है अपराधत्व अनर्थ, जो सदगुरु कृपा प्राप्त साधक है वो तो अपने को बचा लेता है गुरु कृपा से। इस संबंध में वर्णन किए हैं, अभी अधिक वर्णन नहीं करेंगे। अगर सावधान नहीं होता है, सत्संग नहीं है, महत्संग नहीं होता है, शास्त्रीय आचरण नहीं है, महत्सान्निध्य में नहीं रहते हैं, तो जाके अपराध कर बैठते हैं। अपराध आकर के उसका भजन जीवन को ही चौपट करने में समर्थ हो जाते हैं। इसका फल क्या है, इसका लक्षण क्या है, नहीं भजन में अनाग्रह, अपराध का लक्षण, प्रधान लक्षण, बहुत सारे लक्षण का दुष्कृति जाता तो अनर्थ का लक्षण है, आदि व्याधि उपाधि अशांति कलह। सुकृत जात अनर्थ का लक्षण है सुख सुविधा मान सम्मान, इसमें बांध लेते हैं बड़ी सुंदर ढंग से, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, जो मांगते हैं वही आ जाता है, चिंता करने का पहले आ जाता है, रुपया पैसा दान दौलत मस्ती से मस्ती पियो, आनंद से भजन करो, आनंद से भजन करो। अरे ये भजन में क्या होता है, ये भजन थोड़ी है, तो मेरा माला कर लिया। और अपराधत्व अनर्थ का फल क्या है, नहीं भजन जीवन को चौपट कर देते हैं, मतलब भजन स्प्रिया समाप्त हो जाता है, विषय जैसे व्यवहार हो जाता है, विषय में आग्रह, घमंड, अभिमान, भोग सुख, परनिंदा परचर्चा, अहंकार दंभ, ये आकर के साधक का जीवन चौपट कर देता है। अगर इससे भी बच जाता है तो आता है भक्ति तनर्थ। फिर भक्ति का लक्षण श्रवण है, अश्रुकंप पुलक्षेद वैपन्न स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार, अच्छा अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाता है, तो आगे बढ़ जाता है ना, तो भक्ति देवी कृपा करते हैं, कृपा करने से छोड़ेंगे नहीं, उसका परीक्षा होगी। फिर उसके लिए फिर अनर्थ हाजिर है, वो कैसे हैं, वो है उनको भगवान बना देते हैं, उनको बड़े संत बना देते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आके, महाराज हमको कृपा कीजिए, हमको दया कीजिए, हमको दीक्षा दीजिए, हम आपके शरणागत हैं, आप हमको दीक्षा नहीं देंगे तो गले में रस्सी लगा करके हम आत्महत्या कर लेंगे, आपको दीक्षा देना ही पड़ेगा, ऐसा तो चिल्ला चिट्टी करके धीरे धीरे तो भजन से हटना शुरू हो जाता है। लेकिन भजन में परिपक्वता के कारण, भक्ति तो कुछ प्राप्त किया है ना, परिपक्वता के कारण उसका पतन नहीं होता है। लेकिन बाहरी जो एकदम चरम अवस्था में पहुंचना जो है, वो ना होने का कारण वहां पहुंचना उसके लिए बाधा हो जाता है। उसको इतना प्रतिष्ठा, इतना वैभव, कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ भक्ति देवी की कृपा से तो पतन होता नहीं है। जैसे सुकृति जात अनर्थ में पतन होता है, अपराधत्व अनर्थ से पतन होता है, दुष्कृति जात अनर्थ से पतन नहीं होता है, भजन होता नहीं, पतन होता नहीं उसमें, और वैराग्य बढ़ता है जे हे प्रभु एक बार ये अनर्थ से हमको पार लगा दो, फिर हम खूब भजन करेंगे, खूब तुम्हारे जी जान देकर तुम्हारे देख लिया, इतना कष्ट, इतना दुख, इतना बाधा, इतना विघ्न, हे प्रभु हमारा भजन होता नहीं है, तुम कृपा करो ये अनर्थ से निवृत्ति हो जाए, तो जी जान दे करके पल पल छन छन हम तुम्हारे भजन करेंगे, ऐसी प्रार्थना आती है। लेकिन भक्ति तो अनर्थ में इतना सुख सुविधा उसको फंसा करके उसका भजन प्रिया को खत्म कर देते हैं, अपराध तो अनर्थ में तो उसका अनर्थ आ जाता है, वो तो भजन समाप्त हो जाता है, गृहस्थी प्राय हो जाता है। और भक्ति तो अनर्थ में पतन होता नहीं, क्या भक्ति का कुछ उन्मेष हुआ है, कुछ उस पहुंच है, पहुंच के कारण पतन होता नहीं, लेकिन आखिरी सीमा तक पहुंचने के लिए उसको बाधा आ जाती है। मान लीजिए फिर मान पूजा प्रतिष्ठा ये भी त्याग दिया, लिया नहीं, आगे बढ़ा नहीं, चेला चीटी किया नहीं,
फिर भी छोड़ेंगे नहीं, आप पीछे और भी माया है। अब आएगी सिद्धियाँ, अनिमा लघिमा गणिमा प्राप्ति प्राकम वर्षति ईश्वित यत्र कम वसायित्व, ये अष्ट सिद्धि है। ये सिद्धि भी एक बाधा है प्रेम साधना के लिए, ये सिद्धि भी पार करना जरूरी है। ये बहुत मोहकारिणी है, ये मोह ऐसे मोह है जैसे अनिमा अनुपरिमाण हो जाने का शक्ति आ जाती है, लघिमा वायु जैसे हल्का होने का शक्ति आ जाती है, गरिमा पर्वत जैसे बड़ा होने का शक्ति आ जाती है, प्राप्ति जो मन चाहे वही प्राप्त कर सकते हैं, मन में इच्छा हुई ये वस्तु चाहिए वो वस्तु आ जाएंगे, प्राकम समस्त जो भी कामना करते हैं वो पूरा हो जाएगा, इच्छित हो जहाँ चाहे वहीं चले जाने में समर्थ हैं, यहाँ है कलकत्ते में चले गया, वशित तो वशीकरण करने का क्षमता, किसी को अगर दृष्टि दे दिया जिसको वशीभूत करना तो वैठे बैठे रहेंगे वो। ये सारे अष्ट सिद्धियाँ आ जाती है हमारे कि गोवर्धन में रहते हैं कोई बाबा, उनके सामने अष्ट सिद्धि आके हाजिर हो गई, चार दिन पीछे एक बार अन्न, एक बार भिक्षा, चार दिन निर्जला, तीन दिन निर्जला, क्या तपस्या, कठोर तपस्या, एक गुफा में रह करके मुंह नहीं दिखाते थे किसी को, चार दिन पीछे पीछे निकालते थे, अष्ट सिद्धि आ गई, हमको स्वीकार करो, तुरंत पीछे से आवाज आई, गुरुदेव कह रहे हैं खबरदार मुंह घुमाना नहीं, खबरदार मुंह घुमाना नहीं, देखना नहीं उस तरफ, फिर जाके वो हाथ जोड़ दिया, अष्ट सिद्धि चली गई। देख के पहचान में आएगा नहीं, देख के आपको पसंद नहीं होगा। अच्छा, वो बाबा जी नाम नहीं कहेंगे, नाम कहने से झमेला हो जाएगा। अच्छा, हमारे बहुत प्रेमी है जी। तो ये आते हैं, ये आकर के साधक को मोहित करते हैं, साधक देखते हैं ये बड़ी बड़ी सिद्धियां, एक सिद्धि के लिए झुक झुक तपस्या करते हैं, कायाकल्प करते हैं एक सिद्धि प्राप्ति के लिए, और ये अष्ट सिद्धि नवनिधि ये आकर के साधक को मोहित करने के लिए कोशिश करते हैं। साधक के मन में कभी कभी जगत कल्याण की कामना आ जाती है जी, हम इसके द्वारा इस सिद्धि के द्वारा जगत का बहुत सारे मंगल करेंगे, ऐसा भावना आ जाती है, लेकिन वो फंस जाते हैं वो आगे पतन होता नहीं है, कल्याण भी करते हैं मंगल भी करते हैं, लेकिन एकदम आखिरी जो प्राप्ति जो है प्रेम शिवा प्राप्ति, वहां पहुंचना संभव नहीं, ऐसे सब आ जाती है। यह है भक्तित्व अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ ये भी पार करना आखिर में बहुत कठिन हो जाता है। अगर साधक के भीतर थोड़ा सा भी कामना बस इच्छा लेश मात्र अगर रह गया हो तो फिर जा करके साधक उसमें फंसने का बड़ा भारी संभावना रहती है। ये है भक्तित्व अनर्थ, ये अनर्थ के घर जब पार कर गया तो जाके आखिरी सोपान प्रेम सेवा प्राप्त करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, और जुगर किशोर का सेवा प्राप्ति करके धन्याति धन्य हो जाते हैं, मानव जीवन को सफल काम करने में समर्थ हो जाते हैं। जय राधे।